Hello children, now let us start with the arguments that are for democracy or in favor of democracy. So we will start with an example of China and India. So China faced a famine in the year 1958 to 1961, which is said to be the worst famine in the world, and nearly 3 crore people died in that famine. ड्यूरिंग दोज डेज इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो भी ऑलमोस्ट चाइना के सिमिलर ही थी, बट इंडिया ने ऐसा कोई फैमीन उस टाइम पर फेस नहीं किया जैसा चाइना ने किया. तो वॉट इकोनॉमिस्ट बिलीव एंड वॉट एक्सपर्ट्स बिलीव इज दैट कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इंडिया में उस टाइम पर गवर्नमेंट थी वो कैसी गवर्नमेंट थी, इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. तो क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी विच इज़ प्रो पीपल गवर्नमेंट विच वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझती है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनती है, सो दैट इज़ वाई इंडियाज़ गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड नाइसली टू द फूड स्केयरसिटी एंड टू द अदर प्रॉब्लम्स विच इंडियन पीपल वर ऑल्सो फेसिंग. बट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट डू सो. एंड इंस्टेड अगर चाइना में कोई मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, कोई अपोजिशन पार्टी होती, प्रेस को कोई फ्रीडम होती, तो शायद वहाँ के लोग इतना बुरा फैमीन कभी फेस नहीं करते. तो सबसे पहला पॉइंट जिसकी वजह से डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज दैट डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल. इट अंडरस्टैंड्स व्हाट पीपल नीड एंड रिस्पॉन्ड्स इन द सेम वे, वेयर एज अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड इट डू वट एवर इट लाइक्स. सो इन द बोल्ड लेटर्स यू कुड रीड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अकाउंटेबल मीन्स इज आंसरेबल टू द पीपल. अगर लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी, नहीं कर पा रही है तो उसको एटलीस्ट इट नीड टू आंसर कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है. सो दिस इज द फर्स्ट मैरिट द डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज इट नीड्स इट रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ द पीपल एंड इट इज मोर अकाउंटेबल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट बींग इज दैट द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशंस एंड डिस्कशंस. There are many people involved in discussions and meetings are involved in taking a single decision. So, the more number of people are involved, more number of ideas and innovations will be there, and it is more likely that less mistakes would be made and a better decision could be taken out. So, we can say that a democracy improves the quality of decision making. क्योंकि जो एक सिंगल आदमी एक दिमाग से डिसीजन लेगा, वहीं कहीं लोग मिलके और उसी डिसीजन को लेंगे, तो बेटर ये होगा कि जब बहुत सारे लोगों और आइडियाज़ मिलेंगे तो एक बेटर डिसीजन सामने आएगा. सो दिस इज़ द नेक्स्ट मैरिट विच डेमोक्रेसी हैज़. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज द डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. द कंट्री विच वी लिव इन is having amazing social diversity. People belong to different regions, speak different languages, practice different religion and have different caste. उनका दुनिया के बारे में देखने का नज़रिया अलग अलग है, और जिसके अंदर ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है, तो जिस वजह से क्या हो सकते हैं, बहुत सारे clashes can take place. But because we have a democratic nation, so democracy gives a peaceful solution to all these problems. Because here no one is permanent winner and no one is permanent loser. थोड़े टाइम में अगर आज कोई विनर है तो हो सकता है कि जब इलेक्शंस और वो चेंज हो जाए, तो डिफरेंट पीपल कैन लिव विद वन अनादर वेरी पीसफुली. इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी पूरी कंट्री को बांध कर रखती है. इट कीप्स द कंट्री टुगेदर. Now the next point which comes in is that we read in the definition is democracy is for the people. So democracy, this is important in democracy, that what democracy does to the citizens. Because even if democracy does not bring about better decisions and accountable government, it is still better than other forms of government. Now democracy enhances the dignity of citizens. No matter one is rich or poor, belongs to the higher society or the lower society, belongs to which caste, speaks which language, follows which religion, but here the dignity of the citizen is maintained. A political and social, economic, in all kinds of equality
is given to the citizen living in the country. Now, next one is that the democracy is better because it allows us to correct its own mistakes. So, as I told you earlier, that there is no guarantee that mistakes cannot be made in a democracy. As people like us are only in the power in democracy, so they can definitely make mistake. So, but one advantage in democracy is that mistakes cannot be hidden for long. And there is a scope for the public discussions on these mistakes. And there is a room for correction. या तो जिन लोगों ने गलत डिसीजन लिया है वो लोगों को ही चेंज किया जा सकता है और कोई और पावर में आ सकता है, या फिर जो उनके डिसीजन गलत हो गए हैं वो डिसीजन चेंज करके एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं. बट दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. सो टिल नाउ वी स्टडीड द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विच वर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. आई विल सम अप सम ऑल ऑफ देम अप फॉर यू. लाइक first, democracy is better because it responds to the need of the people. It is more accountable form of government. It is based on consultations and discussions, and this improves the quality of decision making. Then it provides a method to deal with conflicts and differences, and it is the peaceful solution as there is no permanent winner or loser. It enhances the dignity of the citizens. It allows people to correct its own mistakes. So in the end, we can say that democracy could not get us everything, and we know it is not the solution of all the problems, but we can say that it is definitely better than other alternatives which are available, and it allows to take a good decision. It respects the people's wishes and allow different kinds of people to live together, and there is a way of correcting the mistakes, and a more dignified life is offered to the people. And in this way democracy is considered the best form of government.